अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है वो तकरीबन 40,000 के लगभग मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी आम बंदे को बुरी तरह मुतासर कर रही है। एनर्जी क्राइसिस फिर हम देख लें, ना ख़त्म होने वाला ये एनर्जी का बहरान। ऐसा लग नहीं रहा कि 2018 से पहले ये एनर्जी क्राइसिस, बावजूद इसके कि मियां साहब की हुकूमत बहुत हद तक एफर्ट कर रही है कि वो ख़त्म हो सके। और फिर जो कर्ज़ों का बोझ है, 200 अरब डॉलर से ज़ायद के कर्ज़े, और हर साल हम तकरीबन 1500 से 1600 अरब रुपये का सूद की अदायगी करते हैं, जिसका भेजा बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। उसके बाद रिजर्व्स आप देख लें, 23 अरब डॉलर के रिजर्व्स, जिसमें बड़ा शेयर जो है वो अगेन हमारे कर्ज़ों का है। एक्सपोर्ट्स हमारी जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में 25 अरब डॉलर की थी, अब मौजूदा दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 4.2 अरब डॉलर गिर चुकी हैं। सो कहने का मकसद ये है कि जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो 40,000 के लगभग मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बैनुल अकवामी मंडी में तो 70% गिरी, लेकिन यहाँ पर महंगाई में कमी नहीं हुई। चाहे सीमेंट की प्राइसेस हों, चाहे खाने पीने की कीमतें हों, चाहे फ्रूट की कीमतें हों, चाहे मेडिसिन की कीमतें हों, उसमें कमी नहीं आई। सो इससे रिलेटेड तमाम कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सो वो इन्फ्लेट करती जा रही हैं, उसमें इजाफा होता जा रहा है, और अब ये 40,000 के लगभग मूव कर रहा है। सो इतने बड़े लेवल पर, इतना हायर ये इंडेक्स है, जिसके हवाले से हुकूमत बात करती है कि जी ये तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ये हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसी वजह से इंडेक्स जो है वो इतना बढ़ चुका है। और याद रहे कि मियाँ साहब ने 2 एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो भी लॉन्च की थी इसी दौरे हुकूमत में। सो आज के इस प्रोग्राम में हम इसी फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे कि ये आया 40,000 का इंडेक्स हुकूमत की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से है, या इसमें इन्फ्लेटेड चीज़ें ज़्यादा शामिल हैं और इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा है। इस हवाले से बात करते हैं चीफ स्ट्रेटजिस्ट ऑफिसर जनाब फैसल शजी, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट, तकरीबन 20-25 साल से काम कर रहे हैं। उनकी राय जानेंगे कि 40,000 का इंडेक्स वाकई हकीकी है या इसमें स्पेकुलेशन है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फैसल साहब, ये बुनियादी नुकता, सर ये 40,000 के लेवल पर इंडेक्स है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ इंतहाई मुख्तलिफ हैं कि 70 मार्केटों का डेटा लिया, इन्फ्लेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, और जिसने जो कीमत बढ़ा ली वो कीमत फिर कभी कम नहीं करेगा, कानून की धज्जियाँ भी उड़ाएगा। सो यहाँ पर जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी सारी कीमतें जो है वो इन्फ्लेट हो चुकी हैं, ऑयल की प्राइसेस 70% कम होगी, यहाँ पर महंगाई में कमी नहीं आई, इकोनॉमिक रियलिटीज़ अभी हमने उसका तस्करा किया, तो ये 40,000 का जो इंडेक्स है ये वाकई इकोनॉमिक रियलिटीज़ की बेसिस पे है या इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा है? हाँ, ये जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है ये 100 कंपनियों की बास्केट है इंडेक्स, तो इसमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं इनके मुनाफों में इजाफा हुआ है। तो जब मुनाफों में या आने वाले मुनाफों में आप इजाफा देखते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो जो आपने गिनवाई, तो कंपनी के मुनाफे अगर अच्छे आते हैं तो फिर ये जो इन्वेस्टर है, चाहे यहाँ का हो या चाहे बाहर का हो, क्योंकि अब हम इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी आने वाले हैं, अभी हम फ्रंटियर मार्केट के अंदर थे, तो वो फिर हमारी वैल्यूज़ को बहुत ऊपर देखेगा। अगर फर्स्ट करें कोई कंपनीज़ जो हैं वो 20% 15% सेल्स के अंदर इतनी ग्रोथ आ रही है उनकी, चाहे वो उसकी वजह ये हो कि वो कीमतें, जैसे ऑयल की कीमतें हैं वो जिस हिसाब से नीचे आई दुनिया के अंदर, वो चीज़ उस तरीके से उस कमोडिटी के अंदर पास हो। लेकिन फैसल साहब, जो तेल की कीमतें 70% गिरी, 4.2 अरब डॉलर हमारी ऑयल इंपोर्ट पे बचत भी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक जो कंपनियाँ हैं उन्होंने अपनी कीमतें नहीं, क्योंकि कीमतें नहीं गिराई तो मुनाफा भी ज़्यादा हुआ, मुनाफा भी ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्शन में इंडेक्स में फिर ज़्यादा ही आएगा, तो इसका मतलब है हकीकी बुनियादों पर तो नहीं है ना ये? अभी तो फ़िलहाल ये कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने 40-40, 50-50% और जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में कुछ 10-10, 20-20% वो अपने मार्जिन्स दिखा रहे हैं, तो वो मार्जिन्स से जो कैलकुलेशन आ रही है उस हिसाब से इंडेक्स जो है वो तो खैर जस्टिफाइड हुआ। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जैसे 4.2 बिलियन जो हमारा सेव हुआ ऑयल पेट्रोलियम बिल, वो उसका रिफ्लेक्शन हमें जैसे सीमेंट की बोरी कम होनी चाहिए, जैसे दवाओं की कीमतें यहाँ पे बढ़ रही हैं,
اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے اس سلسلے میں. اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بجٹ کے اندر فرٹیلائزر کی بوری کی قیمت جو ہے وہ کم کی, کیونکہ گروور بہت, لیکن کسان کو نہیں ملی, کسان کو سستی بوری کی قیمت نہیں ملی ہے. ہاں وہ ہم نے سبسڈی دے کے ٹیکس پیئر پہ بوجھ ڈالا ہے, غریب کسان کو سپورٹ نہیں کیا. ہاں ہاں بہرحال یہ کہ یہ ہمارے یہاں کموڈیٹیز کی, ہمارے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز پرائسز بڑھا دیتی ہیں, ہماری فوڈ کمپنیز جیسے دودھ پر لیٹر جو ہے وہ پچھلے سالوں سے کم ہونا چاہیے وہ یہاں پہ بڑھے جا رہا ہے. تو اس حساب سے وہ تو ظاہر بات ہے منافعوں میں ٹرانسلیٹ ہوں گے, اور منافع اچھے آئیں گے, ڈویڈنڈز اچھے آئیں گے تو انڈیکس بڑھ جائے گا. لیکن اندرون خانہ جو ریئلٹی جو آپ جیسے بتا رہے ہیں عام آدمی کے لیے, ظاہر بات ہے وہ آپ کی بات بھی صحیح ہے. دیکھیں اب عام بندہ جب ریلیٹ کرتا ہے اپنی معیشت کو اسٹاک ایکسچینج کی گروتھ کے ساتھ, تو وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. عام بندے پر ٹیکسوں کا بوجھ آیا, غربت بڑھی, مہنگائی بڑھی, بجلی کے ریٹ, گیس کے ریٹ, اور اس کے علاوہ بھی جنرلی آپ دیکھ لیں جو کوالٹی ہے, کوالٹی آف لائف ہے, وہ 2013 کے بعد 2016 میں گری ہے. صحت, تعلیم ہے, جنرل آپ دیکھ لیں. لیکن اسٹاک مارکیٹ میں یہاں پر 400 گنا گروتھ ہو گئی ہے. 13,000 پر انڈیکس تھا, آج 40,000 پر انڈیکس ہے. تو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ٹرن اراؤنڈ اسٹوریز بھی ہیں, بعض سیکٹر ریوائیو ہوئے ہیں, بعض سیکٹرز نے اچھا پرفارم کرنا شروع کیا ہے, بعض سیکٹرز نئے لسٹ ہوئے ہیں, جیسے اسٹیل سیکٹر جو ہے ان کو کچھ ایس آر اوز کا بینیفٹ ہوا ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکرپنسیز اکانومی کے اندر ہو سکتی ہیں, انومیلیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ بہت عرصے سے اسٹاک مارکیٹ کو کور کر رہے ہیں, اچھے انالسٹ بھی ہیں, لیکن آپ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی موجودہ دور حکومت میں جو پالیسیز ہیں, معاشی جو پالیسیز ہیں, وہ واقعی اس میں جان تھی, وہ اتنی تگڑی تھی کہ اسٹاک مارکیٹ کو 40,000 پر آنا چاہیے تھا, یا اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی ایمنسٹی اسکیمس کا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے جو لانچ کی, دونوں کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں میاں صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیشہ انڈسٹری یا بزنس کے لیے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہیں. ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹس پہلے بہت اوپر تھے, ڈبل ڈیجٹ تھے, آج انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کافی نیچے آئے ہیں. پہلے پنجاب کے اندر بجلی کا بہت بڑا بحران تھا, اب تھوڑا سا یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ کمی ہو گئی ہے, بلکہ تھوڑی سی کمی ہوئی ہے. گیس کی پروویژن پہلے تھوڑے سے مسائل تھے, اب گیس جو ہے کچھ جگہوں پہ جانا شروع ہو گئی ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری جو آئل اینڈ گیس کمپنیز کے جو پروڈکشن پروفائلز ہیں ان میں بہتری آئی ہے. ایل این جی کا جیسے میں نے پہلے کیا, اب وہ ٹرمینل 2 بننے والا ہے. کل ہی آپ نے دیکھا کہ سندھ تھرکول پہ بھی جو سندھ چیف منسٹر جو نئے آئے ہیں انہوں نے چائنیز کو دعوت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسٹرکچرل طریقے سے جو بڑی جو میکرو اکنامک پکچر ہے اس میں تو ہمارے یہاں بہتری کی ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے صحت عامہ, تعلیم, جیسے فیسز بہت بڑھ رہی ہیں, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی کہیں پالیسی نظر نہیں آتی, گورنمنٹ کی کوئی سلسلے میں چیزیں نہیں ہیں. نہیں لیکن میکرو لیول پر بھی اتنی بڑی کوئی ہمیں چینج نظر نہیں آیا فیصل صاحب, معذرت کے ساتھ. آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 4 ارب ڈالر گری ہیں. زرداری صاحب کو ہم بلیم کرتے ہیں ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, ان کی بیڈ معاشی پالیسیز کی وجہ سے, لیکن ایکسپورٹس ہماری ان کے دور حکومت سے بھی گر گئی ہیں. تو ہمارا جو ایکسپورٹ کا جو لسٹڈ سیکٹر ہے یہاں پر, منشا آئٹمس ہیں یا دوسری تمام ٹیکسٹائل کے جو اسٹاکس ہیں, ان کو تو گرنا چاہیے, لیکن وہ تو بڑھ رہے ہیں اور ان کی گروتھ بھی اچھی آ رہی ہے. تو یہ تو اتنا بڑا کانٹراسٹ ہے. یہی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں پکچر ڈفرینٹ ہے, لیکن اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہی اسٹاک بڑے ہوتے ہیں. نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پہلے آپ کا جو زرداری صاحب کا دور تھا یا اس سے پہلے مشرف کا دور بھی تھا, تو اس حوالے ہمیں ہمارا انرجی سیکٹر کے اندر ہم نے وہ ایئرز ہمارے لاس ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹریسٹی جنریشن کے حوالے سے مشرف کے دور میں چیزیں نیچے, یعنی وہ گرافس نیچے تھے. اگر ہم اس وقت ہمارے پاس ہم کارخانے لگ جاتے یا ہم کیا کہتے ہیں پن بجلی کے حوالے سے, ہائیڈل کے حوالے سے یا کول کے حوالے سے کچھ کر لیتے, تو آج ہمارا ریئل سیکٹر متاثر نہ ہوتا جو متاثر ہوا. ٹھیک ہے, اب ریئل سیکٹر واپس ٹریک پہ آ سکتا ہے اگر ہم اپنے بجلی کے مسائل جو ہیں, بٹ پریکٹیکلی آیا نہیں ہے. آ سکتا ہے بٹ آیا نہیں ہے. تھوڑا سا یہ کہ جیسے آپ اینٹیسپیشن میں تو نہیں بڑھ رہی کہ جی فیوچر میں سی پیک آ رہا ہے, انویسٹمنٹ ہوگی, سرمایہ کاری ہوگی, پی آئی اے, اسٹیل مل, بابڈا, ٹی سی پی, پاسکو, پرائیویٹائزیشن ہوگی, تو یہ اسٹاک بڑھیں گے. تو یہ اینٹیسپیشن کا ریفلیکشن ہے. نہیں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ خواجہ آصف جو منسٹر ہیں ان کے ٹویٹس تو آتے رہتے ہیں ہر ہفتے کہ یہ جنریشن جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا, شارٹ فال جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. پلس آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے ٹویٹس کا کمال ہے. نہیں اس میں کراچی الیکٹرک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جیسے یہاں پہ اس کی یعنی آپ لوکل کول جنریشن جو ہے وہ آنے والی ہے, پلس یہ کہ ہب پاور کی لوکل کول جنریشن آنے والی ہے,
बहुत सारी कंपनीज दूसरी भी हैं उनकी भी, तो ये कि हम कुछ चीज़ों के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अगर एक्सपोर्ट कम हो गई तो ये आगे चल के भी ऐसा ही सिचुएशन रहेगी। हाँ, हमें ये है कि हमें उसके अल्टरनेट्स जो हैं वो देखने चाहिए। अगर हम टेक्सटाइल पर ही डिपेंड कर रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें इस हवाले से दूसरे सेक्टर्स का गवर्नमेंट की वहाँ पे पॉलिसीज नज़र आनी चाहिए। अब यह है कि सीपैक जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है और उस सिलसिले में जो एक हम ये देख रहे हैं कि कुछ वीकनेसेस नज़र आ रही हैं गवर्नमेंट के एंड पे या ब्यूरोक्रेसी के एंड पे, हमें उस चीज़ को स्पीड हमें वो करने की ज़रूरत है, वो चीज़ तेज़ होनी चाहिए। तो आज जो 40,000 का इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का लगभग उसके पास जो है वो मूव कर रहा है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.7 ही होनी चाहिए थी, उसको तो फिर 8 या 10 पे होना चाहिए था जिस तरह से इंडेक्स चल रहा है? नहीं, हम आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त सीपैक के जो रोड ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी वो हो चुकी है, उसके अलावा जो बिजली घर जो होंगे, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, आप ये देख रहे हैं कि उसका रिफ्लेक्शन ये आ रहा है कि जैसे सीमेंट की डिमांड बहुत बढ़ गई है, स्टील की डिमांड बहुत बढ़ गई है, रोड पे जो एस्फॉल्ट डलता था वो रिफाइनरी से डिमांड बहुत बढ़ गई है। इस वक्त ट्रक बनाने वाली कंपनियां आप इस यकीन करें कि उसमें उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्शन जो है वो शेयर प्राइसेस पे भी जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो बहुत सारी। आई एग्री कि डिमांड की वजह से इम्पेक्ट आता है, लेकिन जब शॉर्टेज होती है तब भी कीमत बढ़ती है, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर माफियाज हैं, चाहे आप सीमेंट देख लें, चाहे आप मेडिसिन देख लें, चाहे आप रियल स्टेट देख लें, बेनामी अकाउंट्स में काम हो रहा है, तो पॉइंट ये है कि जहाँ इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है वहाँ हम कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो हकीकी बैरोमीटर है इकॉनमी का, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, ये आपकी ये बात से मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है हो सकता है कि वो आपकी जो मारूजी सिचुएशन है उसको तो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लेकिन वो आम आदमी के हालात से हो सकता है कि उसका इतना कनेक्शन ना हो। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हाँ, अगर हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन एक्टिव हो या हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल जो बॉडीज़ हैं जो इस वक्त नज़र ही नहीं आती, वो अगर एक्टिव हो तो हो सकता है कि फिर हमें जो अपने मुनाफे हम देते हैं और जो आवाम की जेब से जाता है, और इसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी टैक्सेशन सिस्टम है GST के हवाले से, वो चीज़ें ज़ाहिर बात है वो अगर एनोमलीज़ हैं तो हो सकता है कि तो ये एनोमली भी तो फिर गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर एनोमली सिस्टम के अंदर है तो ना एली और निकम्मापन फिर हुकूमत का ही है ना? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का अपना किरदार होना चाहिए। ठीक है, तो फैसल साहब, जो हमने अभी तक गुफ्तगू की कि इसमें इन्फ्लेटेड फैक्टर ज़्यादा है, चाहे हुकूमत का निकम्मापन है, चाहे पॉलिसीज का बेहतर तौर पर अमल दखल नहीं है, या हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि अगर ये फैक्टर ना होता, इन्फ्लेटेड फैक्टर ना होता, इकॉनमी में बेहतर तौर पर इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता पॉलिसीज का भी और तमाम चीज़ों का, तो इंडेक्स 40 पे होता या इससे कम होता? थोड़ा सा कम होता, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जैसे ऑयल एंड गैस, वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं है, प्रोडक्शन प्रोफाइल इतने बढ़े नहीं, हालांकि गवर्नमेंट का फोकस ज़रूर हुआ, लेकिन हमारे यहाँ हाइड्रोकार्बन के हवाले से हमें नई पॉलिसीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी का बहरान भारत अपनी जगह थोड़ा बहुत मौजूद है और जब तक हम उसको नहीं देखेंगे हमारा इंडस्ट्रियल रिवाइवल नहीं हो सकता। ठीक है फैसल साहब, डिटेल में बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, फैसल शाह जी, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना कि जो अनस्टॉपेबल जो बुलिश रैली है ये वाकई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बेसिस पर है, या इसमें जो मौजूदा दौर हुकूमत का जो तासुर है कि बेहतर तरह हुकूमत है, बेहतर गवर्नेंस है और बेहतर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने मूव कराई हैं अपने इस 3 साल दौर में, ये उसकी बुनियाद पर है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और बुनियादी फैक्टर है, क्योंकि जब भी PMLN गवर्नमेंट के हवाले से बात होती है कि जी उन्होंने क्या डिलीवर किया, वो कहते हैं देखें जी स्टॉक मार्केट जो है वो 13,000 पर होती थी, अब 40,000 पर आ चुकी है, तो ये वजह है हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ये वजह है हमारे बेहतर इस्लाहात की, हमारी बेहतर तरजीहात की। सो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी पूरे मुल्क पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है, चाहे वो बिजली हो चाहे वो गैस हो, लोड शेडिंग बहुत हद तक बढ़ चुकी है, उसका रेट बहुत हद तक बढ़ चुका है, बेरोज़गारी भी हमें नज़र आती है, गुरबत भी हमें नज़र आती है, जो हमारा डेट है वो तकरीबन 21,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है, $200 अरब, $200 बिलियन। सो उसमें जो हमारी डेट की रीपेइंग कैपेसिटी है वो भी गिरती जा रही है, रुपया डी वैल्यू हो रहा है, एक्सपोर्ट्स 4 अरब डॉलर हमारी गिर गई, सारे इंडिकेटर्स आप देखें तो वो डिक्लाइनिंग फेज की तरफ है, उसमें गिरावट हमें नज़र आ रही है।
लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। ये हो क्या रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे और इसको बेहतर तौर पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, मईशत को बेहतर तौर पर समझते हैं, उनका हम पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। इफ्तिखार वोरा साहब, हमें टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये हो क्या रहा है सर, अगर आप गुर्बत देखें, बेरोजगारी, एनर्जी क्राइसिस, हमारा जो कर्जा बढ़ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमें अपवर्ड स्टांस नज़र आ रहा है 40,000 के लगभग, तो दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं, एक तरफ गिरावट है, एक तरफ बुलिश अपवर्ड रैली है, तो इसमें कोई मुमासलत आपको नज़र आती है? देखें जी, जो आपने सारी चीज़ों में जिस तरह आपने अपने इंट्रो में सारा बताया, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये इसमें ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक पैरेलल इकॉनमी चल रही है, बहुत जो हमारी असल डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से भी 2 गुना या कुछ लोग कहते हैं कि 3 गुना ज़्यादा है। तो ये वो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लोगों ने यहाँ पर की हुई हैं, और कुछ लोग कह लूँ या कुछ ग्रुप्स हैं कि वो उसको इन्वेस्टमेंट करके जितनी उसमें आप देखें, जब आप एक चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे, जब जो भी स्टॉक, तो डेफिनेटली उसका रेट बढ़ेगा, तो एक किस्म की आर्टिफिशियल वो एक मार्केट को बढ़ा दिया गया है। के पोटेंशियल अगर देखा जाए, पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें, अगर ज़्यादा लोगों को शरीक होने का मौका दिया जाए, ज़्यादा इसमें अवेयरनेस आए कि और भी लोग इन्वेस्टमेंट आए, और कंपनियों के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी अगर आए, अपने सारे जो उनके हिसाब किताब हैं वो अगर बेहतर तरीके से अंदर वो अपने पेश करें, तो ये फिर ये हम कहें कि ये जेन्युइन रीज़न के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की जो भी आज का इंडेक्स है वो खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की रियलिटी को स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं? नहीं, इस वक्त नहीं, मैं मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उसको नहीं रिफ्लेक्ट कर रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। ये सारी वो चीज़ें हैं जो क्योंकि उसमें ये हुकूमत ने ये दिया था इस स्टॉक एक्सचेंज को, इस इंडिकेटर को दिखाने के लिए कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारा बेहतर है, कि जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट उसमें कुछ टैक्स लगने के बाद वो वाइट हो जाती है, वो कैपिटल है। एमनेस्टी स्कीम्स लाए थे, एमनेस्टी स्कीम जो लाए थे जो 2-3 साल पहले, और ये मौजूदा दौर हुकूमत में 2 एमनेस्टी स्कीम्स आ चुकी हैं, 2 आ चुकी हैं, तो ये उसका उसकी रीज़न है। तो हमें ये नहीं कहता कि ये कोई सारा ही गलत हो रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक वो पैसा इन्वॉल्व है कि वो जो उस पैरेलल इकॉनमी से निकल के स्टॉक एक्सचेंज में आ चुका है, उसमें प्रॉपर्टी भी एक एलिमेंट शामिल है, उस पर हम बाद में डिटेल से बात करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ की जाए, जो हम पूरी दुनिया के अगर स्टॉक एक्सचेंजेस हम देखें, उनमें ये चीज़ नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में है। हालांकि ये मैं जैसे अभी पहले कहा कि और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन इसको इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। तो वरा साहब, ये जो फंडामेंटल्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे और रियलिटी बेस्ड नहीं है। एनर्जी क्राइसिस, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रिजर्व्स में डेट बढ़ रहा है, तो सर अगर हम उसको देखें और हम स्टॉक मार्केट को देखें, तो आम बंदे से जब हम सवाल करते हैं वो कहता है जी ये इससे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो आम बंदे की जो मईशत है उसके साथ लिंक करता है ये मैं आपने जो उसी की वजह से ही स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, मैं आपको उसमें थोड़ा तफसील में जाके बात करते हैं। देखें, जो इस वक्त हमारा टैक्सेशन सिस्टम है ना, जो FDR है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर पूरा उसने दबाव डाला, उनको स्क्वीज किया हुआ है उसने। तो लोग कहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो उनके पास जो वो अपनी एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहे हैं, उसमें एनर्जी क्राइसिस भी फिर आ जाता है साथ में, उसको भी हम उसको जोड़ लेते हैं उस चीज़ को। तो वो जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनके पास जो पैसा पड़ा है, फारे देखें लोगों के पास पैसा तो है ना, कुछ पैरेलल इकॉनमी भी है, तो वो सारा पैसा फिर इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में या फिर प्रॉपर्टी में। तो अगर हम सिर्फ आज स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, तो वो जब इन्वेस्टमेंट वहाँ सारी जाएगी, तो वहाँ पर ये सारे मामलात नहीं हैं जो के जी अगर एक मैं इंडस्ट्री आज लगाता हूँ तो 21 एजेंसियाँ मेरे पीछे आ जाती हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं आराम से बैठ कर कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस शुरू कर देता हूँ या प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू करता हूँ। तो ये पिछले 3 साल में ये ट्रेंड हमारा जो बढ़ गया है, सारा इन्वेस्टर उधर चला गया है, और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है सर। अभी एक और मुल्क की इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए और इंडस्ट्री के लिए ये इंतहाई खतरनाक, यानी हम ट्रेडिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि जी हम स्टॉक एक्सचेंज जो है ना स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। सर आपने बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट नुकता जो है वो रेज किया है, स्पेकुलेशन के हवाले से मैं बात करूंगा। सर हबको और कैपको 2 बड़ी पावर कंपनियां हैं, उनका जो रेवेन्यू है वो डॉलर बेस्ड है, तो अगर जितना एनर्जी क्राइसिस मुल्क में बढ़ेगा उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1994 की IPPs की जो पावर पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, उसमें उन्होंने डॉलर को लिंक किया उसके रेवेन्यू से, कि प्लांट आपका चले या ना चले, कैपेसिटी आपकी बढ़े ना बढ़े, आपका जो रेवेन्यू है वो डॉलर में मिलेगा। तो जितना डॉलर गिरेगा, आज 106 रुपये पे है, कल 110 रुपये,
तो 4 रुपये उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो आप स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सर आप समझते हैं कि हमारी पॉलिसियाँ बेहतर तौर पर मौजूदा मईशत को रिफ्लेक्ट नहीं करती और इसी वजह से स्पेकुलेटिव रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में आता है। नहीं देखिए, जो डॉलर की आपने बात की ना, देखिए एक तरफ तो हुकूमत दावा ये करेगी कि जी हमने जो डॉलर को 104 या 105 रुपए के दरमियान में पिछले कई 1.5-2 साल से हमने उनको उसको स्टेबल किया हुआ है, लेकिन वो क्यों आपने स्टेबल किया हुआ है, आपने सारे वो लोन लिए हुए हैं, आपने IMF से लोन लिया, उसकी आप 1600 बिलियन रुपीज डेट सर्विसेज में हर साल जाता है, तो वो नुकसान भी आवाम का हो रहा है। डॉलर का तो आपने एक इंडिकेटर दिखा दिया कि जो देखें हमने स्टेबल किया, लेकिन आप वो चीज़ नहीं देख रहे हैं कि आपने सारी दुनिया से आपने लोन लेकर, डोमेस्टिक बोरिंग बहुत ज़्यादा है वो भी लेकर, कोई यूरो बॉन्ड अगर देख लें, मुख्तलिफ चीज़ें, ये सारी फिगर्स की गेम है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं कहता हूँ। हुकूमत बताती है कि जी हमने जी देखें जी ये इंडिकेटर यहाँ पे चला गया जी, हमारे फॉरेन के रिजर्व 23 बिलियन पे आ गए, 23 बिलियन पे आ गए, तो आप बताएं ना 21,000 बिलियन तो आपका सारा जो डेट है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अगर आप डेट मिलाएं तो वो 200 कुछ डॉलर तो वो बन जाते हैं, तो आपने 23 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व करके तो आपने कौन सा कमाल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, देखने वाली हैं, हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि आज आवाम का क्या हाल है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अगर ये इतनी जो इकॉनमी बेहतर है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे आम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा। गरीब का बच्चा आज भी, उसको तालीम नहीं मिलती, उसको इलाज नहीं मिलता, उसको पानी नहीं मिलता। जब ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट की जो बुनियादी जिम्मेदारी है उसने आवाम को उसको कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर एक वो बाउंड है गवर्नमेंट, तो वो तो वो पूरा कर नहीं रही है, तो हमें इन सारे इंडिकेटर दिखाने का क्या, तो सर ये जो बात की जाती है हुकूमत की जानिब से, चाहे कोई भी हुकूमत हो, वो कहते हैं जी हमारा बैरोमीटर है, इकॉनमी का बैरोमीटर है, तो ऐसी मईशत जो जिसमें ज़्यादा पोर्शन ब्लैक इकॉनमी का हो, जो डॉक्यूमेंटेड भी ना हो, जिसमें रियासत जो है वो सेहत तालीम पानी सिक्योरिटी भी ना दे पाती हो, तो आप समझते हैं कि वो हकीकी बैरोमीटर हो सकता है इकॉनमी का? स्टॉक मार्केट हकीकी बैरोमीटर नहीं है, एक्सचेंज बिल्कुल हकीकी बैरोमीटर नहीं है, इसमें आज जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है, हम पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकी, इसमें चंद लोग हैं, चंद खानदान का लोग हैं, जो चंद ग्रुप्स हैं जो शुरू से इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन्हीं को फ़ायदा पहुँच रहा है उसका। अगर इसका जो, अगर आप कहें कि जी अगर हमारा स्टॉक एक्सचेंज का जो है इंडेक्स बढ़ गया, तो हमारे आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्यों नहीं बढ़ रही? सबसे बड़ा उस सवाल का जवाब यही है कि जो कुछ 100 मिलियन डॉलर है हमारी एक साल की, 500, 600, 700 मिलियन डॉलर की, अगर इतनी अच्छी अगर हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं तो बाहर से फिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? तो इस सवाल का आपका ये जवाब है, जो हकीकत है वो हमें देखनी चाहिए कि फिर, वरना तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए आपके यहाँ जी, बहुत बड़ी एक वो जो इकोनॉमिक जो है वो शुरू हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ट्रेडिंग बढ़ जाए, लेकिन वो कुछ चीज़ें तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं काउंटर आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रीएम्प्ट करती है फ्यूचर के इवेंट्स को और उसकी बुनियाद पे भी चलती है, बुनियाद पे चलती है, ठीक है। तो अब मौजूदा दौर हुकूमत ने इन्होंने कहा कि जी हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे PIA की, स्टील मिल की, दूसरी तमाम ब्लू चिप कंपनीज की, CPAC की इन्वेस्टमेंट आ रही है 46 अरब डॉलर, और फ्यूचर में इकॉनमी बहुत फ्लोरिश कर जाएगी, बेहतर होगी। आर्मी चीफ ने भी कहा कि 10 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ रही है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेकाम आने वाला है, इस वजह से मूवमेंट है, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, देखिए ये चीज़ भी जो आप कह रहे हैं इसमें बिल्कुल, ये एक जो फोर्स ही कर रहा होता है बिजनेसमैन वो ये देख रहे हैं, हम भी ये देख रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि 2018 तक इंशाल्लाह खास तौर पर जो ये CPAC की इन्वेस्टमेंट है, जब वो एनर्जी क्राइसिस जब हम जो उसको ओवरकम कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो है हालात बेहतर हो जाएंगे। ये नहीं है कि सारी चीज़ें को ख़राब हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम कहेंगे उसमें कोई हुकूमत का कमाल मैं कहता हूँ नहीं है, सिवाय कि अगर CPAC भी है वो भी चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि 2018 तक ऑप्टिमिस्टिक है बिजनेस कम्युनिटी कि हम चाहते हैं, मेरी ये सोच है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगे, जब इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएशन होगी, जब जॉब क्रिएशन होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वो जो इंडस्ट्री है वो आपको ज़्यादा टैक्स पे करेगी, जो रेवेन्यू जनरेशन है वो होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, वो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं होगी आपकी जो है दुष्पात है, और इफेक्टिवली कोई नए कारखाने नहीं लगे, नहीं लग रहे, नया रोजगार जनरेट नहीं हुआ। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जो है ये इंडस्ट्री में आए, ये इन्वेस्टमेंट
जो प्रॉपर्टी में इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट ने हुकूमत ने जो अभी ये किया भी है, थोड़ा सा उस पर भी जरूर आप बात करें कि ये जो प्रॉपर्टी का जो इशू था, अगर उन्होंने ये कर दिया था कि जो स्टेट बैंक के जो वैल्यूअर्स हैं वो उसकी वैल्यूएशन करेंगे एक जब जो भी कुछ सेल एंड परचेज होगी, तो अब उन्होंने हुकूमत ने ये वापस अपना कदम जो उठा लिया, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये क्या। तो सर माजी में भी हमने देखा है मुशर्रफ दौर में जब पैसा आया पाकिस्तान को, अरबों डॉलर मिला, 20 से 25 अरब डॉलर का इनफ्लो आया एक ऐसे वक्त पर कि जब हमारे रिजर्व्स गिर रहे थे, तो वो ज़्यादा पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट या रियल स्टेट में गया है, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी बढ़ी, रियल स्टेट भी बढ़ी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो 40,000 का इंडेक्स होने वाला है इसमें सबसे बड़ा किरदार रियल स्टेट सेक्टर? बिल्कुल रियल स्टेट सेक्टर है, बहुत बड़ी ब्लैक मनी की पार्किंग वहाँ हो गई है। जो आप देखें 50 या 60 लाख रुपये में एक प्लॉट प्लाट की जो है वो रजिस्ट्री है, जो एक्चुअल प्राइस है उसकी जो डीसी वैल्यू है, और वो 10 करोड़ रुपये का प्लाट है। अगर 1,000 गज हम एक मिसाल ले लेते हैं डिफेंस स्पेस 8 की, वहाँ 1,000 गज का प्लॉट 10 करोड़ से कम नहीं है कहीं भी। उसकी जो जब सेल परचेज होती है तो वो 60 लाख रुपये में है। तो आप बताएं कि वो 9.5 करोड़ रुपया वो जो ब्लैक मनी है उसको हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा उसमें गैप है। तो ये क्या इन सबको नहीं पता? सबको पता है। तो फिर भी अगर ये सारा अगर वो अपने जो इन्होंने इसमें इनकम टैक्स है जो था उसमें सेक्शन 68 में अगर उन्होंने जो अमेंडमेंट की थी, मैं समझता हूँ वो बेहतर था। अगर एक्चुअल वैल्यूएशन आए, जब एक बिज़नेस देखें, ये मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की भी मैं बात करता हूँ, जब हम कोई बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वही जो हमारी प्रॉपर्टी है वो स्टेट बैंक का वैल्यूअर ही उसकी एक वैल्यू दिखाता है, और हम उस पर कोशिश होती है कि ठीक है वो एक फेयर वैल्यू होती है कि जो आज मार्केट की वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट हमें वो लोन मिलते हैं। आप उसी से अगर सारा उठा लें आप डेटा, तो आपके पास वो सारी चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं। ये नहीं कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है हुकूमत के पास, हुकूमत करना नहीं चाहती। कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आ जाते हैं, कुछ लोग कह लें या सबके ये मुफादात मुश्तरका हैं, जो एलीट क्लास है इस पाकिस्तान की, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें पॉलिटिशन हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे जितने भी एलीट जो सेक्टर जो कह रहे हैं जो कि एलीट क्लास है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि आपस में ये जो प्रॉपर्टी नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर इनकलाबी इकदाम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डीलर्स ने ब्रेक लगा दी एक इतनी बड़ी रिफॉर्म को जो गवर्नमेंट करने जा रही थी। जी बिल्कुल, ये एक मैं समझता हूँ आप दुनिया के अंदर देखें, अगर आपको आज किसी का एड्रेस चाहिए आप वेस्ट की फिर मिसाल देनी पड़ेगी, यूरोप या अमेरिका, आप उसमें डालें वेबसाइट्स हैं उस पे उसका पूरा डेटा आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी इस ईयर में इतने रुपए की बिकी थी और इतना उस पे टैक्स पे किया गया था, फिर आज की इसकी ये वैल्यू है और इसके मालिक का नाम भी ये है। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है तो आप क्या समझते हैं वहाँ कोई करप्शन की गुंजाइश रह जाएगी? तो हमारी हुकूमत इसी दुनिया में कुछ हज़ार किलोमीटर के फासले पर एक जब मिसाल मौजूद है तो आप ट्रांसपेरेंट करें सारी प्रॉपर्टी को, ये जी किसने खरीदी थी, किसने बेची थी, कितना टैक्स पे, तो डॉक्यूमेंटेशन होती तो बेहतर तौर पर कितना रेवेन्यू आप रेवेन्यू भी लगाएं। आप इतना हमारा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, 20 करोड़ अवाम और पैसा भी है लोगों के पास, जो हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में हमने क्यों लोगों ने कर दी, उसमें सारी चीजें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उसमें एनर्जी क्राइसिस भी आ जाएगा, उसमें हमारा टैक्सेशन सिस्टम भी आएगा, उसकी भी नाकामी है कि लोग बाहर जाके क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान में लोग जो है इतनी इन्वेस्टमेंट हमें जो मुख्तलिफ जो राय है कि जी $200 बिलियन हमारे पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ बात दुनिया के अंदर पड़े हैं, तो ये इसमें कोई झूठ नहीं है। और सर एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई 20,000 अरब की ये मार्केट है ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का। तो आप इसमें अगर हमारी इसको ट्रांसपेरेंट आज कर दिया जाए तो आप अंदाजा करें कि कितना आपको रेवेन्यू वहाँ से। जी हाँ, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोई 70 अरब रुपया हम जनरेट कर लेंगे। हमारी सिस्टम इन्होंने खत्म की है, एक एक का नाम आ रहा है कि जी इस नाम की ये प्रॉपर्टी है, उन्होंने कर दिया ना, तो क्या इस सिस्टम को नहीं ला सकते कि जो आज जो ट्रांजैक्शन होनी है कोई घर बिकता है? और क्योंकि फ्री फ्लोट इंडेक्स जो है उसका उसकी मेथडोलॉजी भी चेंज हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इस वजह से भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पड़ा है। एमएनएससी स्कीम एक फैक्टर है लेकिन इसके अलावा ये फैक्टर भी है। तो आप समझते हैं कि कुछ कंपनीज बेहतर टैक्स भी दे रही हैं, उनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो इस वजह से भी स्टॉक मार्केट बढ़ी। ज्यादा जो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है ये उन्हीं की वजह से बढ़ रहा है जो बड़ी कंपनीज है। अगर आप उसकी परसेंटेज लगाएंगे ना तो बहुत कम है वो नहीं नहीं वो परसेंटेज अगर लगाएंगे जो इंडेक्स बढ़ा तो वो उन्हीं ब्लू चिप कंपनी से बढ़ा, लेकिन वो कंपनियां बहुत कम, वो कंपनियां कम है। हाँ वो कंपनियां बहुत कम है, जो दूसरी कंपनीज है वो ज्यादा है, वो गिनती की कुछ कंपनी है जो जिनको
हम ब्लू चिप्स कहते हैं। तो ये हमारी ये स्टॉक एक्सचेंज की भी जो लोग ऑर्गेनाइज इसको जो इंतज़ामिया हैं जो इसको जो चला रहे हैं उनका जो बोर्ड है उनको भी चाहिए कि ये इसको इस तरीके से चलाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके जो प्रॉफिट्स हैं या जो भी इसके फ़ायदे हैं वो उनको मिल सके। ठीक है इफ्तिखार साहब, अभी वोरा साहब आपने एक बड़ी अहम बात की थी कि हम एक ट्रेडिंग स्टेट बनते जा रहे हैं। बैंक्स ने माजी में भी हमने देखा कि बैठ के सट्टा किया, स्टॉक मार्केट में भी, रियल स्टेट में भी पैसा बनाया। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो PIB और T-bill में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि 3 trillion से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उससे मुनाफा बनाते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी होता है कि वो बैठे बिठाए इंटरेस्ट रेट गिरा के ज़्यादा वो डेट ले लेता है, सस्ता डेट, और अपना सिस्टम चलाता है। तो गवर्नमेंट भी वही कर रही है, बैंक्स भी वही कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी वही हो रहा है, रियल स्टेट में भी वही हो रहा है, और आम बंदा जो छाबड़ी लगाता है सड़क पर वो भी उसी तरह मुनाफा बना रहा है। तो आप समझते हैं कि यही एक सिस्टम चल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है गरीब बंदे को कोई फायदा नहीं, नहीं कोई फायदा नहीं होगा जी। जैसे आप देख रहे हैं कि बैंक्स की अगर आप देखा जाए ना, कुछ बैंकों की 80% जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टी बिल्स की। बिल्कुल सही, वो ये कहते हैं कि जी हमें क्या जरूरत है कि हम एक एक छोटे छोटे ताजर या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएं और उनको लोन दें। उनको तो लोन मिली, प्राइवेट सेक्टर को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा और उसी पैसे से हुकूमत अपने इंडिकेटर बेहतर बना रही है कि जी हमारे पास इतने रिजर्व हो गए हैं जी, हमारे जी ये बेहतर हो गया जी, ये डिस्काउंट रेट कम आ गए हैं जी। वो क्यों कम हुए? इसीलिए कम हुए कि बैंक को भी अगर वो 6% पे भी दे रहे हैं या 4% पे भी दे रहे हैं या जिस वो उनके लिए भी सिक्योर है। तो वो ये एक सारा जो है ना ये मल्टीप्लाइंग एक वो जो एक साइकिल चल रहा है जो मैं नहीं समझता कि ये कोई एक बेहतर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को या फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको चाहिए कि वो इस पर ज़रा देखें। अब ये वक्त आ गया है, जो पहले उन्होंने जो भी जिस तरह से इसको भी मैनूवरिंग करने की कर ली, अब वक्त आ गया इसको जो रियल जो इसकी जो हमें चाहिए जो इसको जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए वो चाहिए हमें इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हो आगे का के जॉब क्रिएशन हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जॉब क्रिएशन हो तो ये सारा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर होगी, रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होगी, तो आवाम के लिए सेहत दोस्त बात है। तो सर आप बिजनेसमैन भी हैं, आप इंडस्ट्री की जो लेटेस्ट डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं उसके हवाले से भी आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो इफ्तिखार वोरा साहब मुझे बताएं, पिछले 3 वर्षों में कितने नए कारखाने लगे हैं, कितनी नई जॉब क्रिएशन हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जानिब से? बिल्कुल जी, मैं इसमें क्योंकि हमारा एक सर्कल है, हम सब देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर नई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई। सारा जितनी भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है या तो स्टॉक एक्सचेंज में की है या प्रॉपर्टी में की है, तो उसकी कोई रीज़न है मैंने बता दी। अब देखें, सरमायादार को अपना मुनाफा चाहिए। जो मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं कहीं गलत जगह पे नहीं करूँगा कि जहाँ मुझे नुकसान हो। इंडस्ट्री जिन्होंने भी इन 3 सालों में बड़े मुश्किल दौर से इंडस्ट्री और ट्रेड जो है वो गुजर रही है ड्यू टू ये, एक तो मैंने बताया टैक्सेशन सिस्टम भी है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ एजेंसीज हैं वो बहुत तंग करती हैं जेन्युइन टैक्स पेयर को। उसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस तरफ कर दी है कि जहाँ पर इन चीज़ों का कोई उनके कोई वो नहीं है, उनके ऊपर उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंज है या जो प्रॉपर्टी के मतलब है, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं। नई इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं लग रही, जिसने भी नई इंडस्ट्री लगाई है या पुरानी इंडस्ट्री भी इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल जो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। चंद गिने चुने जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप कह लें, तो आप ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक जो सरमायाकार है पाकिस्तान का जो प्राइवेट है उसने उसे इन्वेस्टमेंट नहीं की। SMEs की मैं बात करूँ, SMEs जो आपकी जो वो एक बिल्कुल बैकबोन होती है उसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ठीक है पिछले 3 साल में। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो नया रोजगार भी पैदा नहीं, नया रोजगार नहीं पैदा होगा ना जी। आप देखें कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं कल एक जगह देख रहा था कि एक वो MA इंग्लिश है वो, और उसने कुछ और भी उसकी 2 डिग्रियाँ उसकी लिखी हुई थी और वो बंदा रिक्शा चला रहा है। तो आप बताएं अगर एक MA इंग्लिश उसने लिखा हुआ भी है कि मैं MA इंग्लिश हूँ और मैं रिक्शा चला रहा हूँ, तो ये एक मिसाल नहीं, उसने तो एक ऐसी हजारों मिसालें बिल्कुल ठीक है। जो लोग उनको जॉब नहीं मिल रहा, मेरे पास हर पता नहीं कितने लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, तो जॉब है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। सर आखिरी सवाल, अब मुझे बताएं कि 40,000 का जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, वो जैसे कि हमने इस पर बात भी की कि वो हकीकी रिफ्लेक्शन नहीं है आपकी इकॉनमी का, बेरोजगारी, गुर्बत, तमाम चीज़ों को बिजली का बुरान मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की हमारा सिस्टम है,
तो मौजूदा हालात में हकीकी तौर पर हमारा इंडेक्स कितना होना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने देखा ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल व्यू नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो एक रियलिटी तो है ना कि वो अब 40,000 तक पहुँचने वाला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, एक तो जेन्युइन जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी है, और जो दूसरी तरफ से जो ब्लैक मनी की जो आके इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी वजह से ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर पहुँचा। तो ब्लैक इन्वेस्टमेंट जिस तालाब में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसने सारे तालाब को गंदा कर दिया? नहीं नहीं, गंदा नहीं, मैं देखें ये नहीं, तो आप कैसे अलग करेंगे, आप कैसे अलग करेंगे? आदिल साहब देखें, एक इन्वेस्टर जो है उसने तो अपनी एक जगह पर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको ये जगह सेफ नजर आ रही है तो वो इसी इस सेफ जगह में जाएगा। ये हुकूमत का फर्ज है कि वो ऐसी सेंचुरीज बनाए, ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह बनाए जहाँ पर वो बिजनेसमैन जाके करे और जॉब क्रिएशन की जाए और रेवेन्यू जनरेशन की जाए। मेरा ये पॉइंट है आपको, ये सारी ठीक है, ठीक है, फेयर है ना सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चीज़ है कि उस तरफ हमें और ये चीजें ये गाइड ये हुकूमत करेगी कि जहाँ जहाँ रुकावटें जहाँ इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, क्यों लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं और वहाँ क्यों नहीं जा रहे, तो ये हुकूमत के सोचने का काम है, वो ही चीज़ें और उन्होंने ही बैलेंस करना, उन्होंने ही बैलेंस। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जहाँ आपका कर्जा इतना बढ़ गया $200 अरब से ज्यादा, आपके रिजर्व्स अगर बढ़े हैं तो उसमें भी कर्जे का हिस्सा है, 1600 अरब रुपए आपने सूद की अदायगियां करनी है हर साल, उसके अलावा गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है, ये तमाम चीजें, तो मैं कह रहा हूँ इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए और दूसरी तरफ जो 40,000 का इंडेक्स है, तो हकीकी फिर इंडेक्स कितना होना चाहिए था? मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसरा नहीं है, लेकिन इस पर इसका आप क्रेडिट भी फिर बिजनेस कम्युनिटी को देंगे ना, ठीक है, कि इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी अगर हमारा रेवेन्यू भी इस साल हमने उस पर टारगेट पूरे किए हैं, थोड़ी सी इस तरफ बात जरूर करनी चाहिए, ये सारा क्रेडिट जाता है बिजनेस कम्युनिटी, सब ब्लैक इकोनॉमी को नहीं जाता? नहीं नहीं, उसमें तो देखें वो भी शामिल है, बिजनेस कम्युनिटी में कुछ लोग वो शामिल, हाँ एक बिजनेस कम्युनिटी एक तो है ना जो डॉक्यूमेंटेड है लोग, और कुछ दूसरे वो भी है तो बिजनेस कम्युनिटी ना, ठीक है, तो ये क्रेडिट तो बिजनेस कम्युनिटी को जा रहा है कि ये सारे मुल्क के सिस्टम को इतनी पाबंदियों इतनी मुश्किलात के बावजूद भी लेके चल रहे हैं, और हम ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, जैसे मैंने बताया कि इंशाल्लाह 2-3 साल में पोजीशनें और बेहतर हो जाएंगी अगर जेन्युइन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के हुकूमत उनके पॉइंट्स को उनके जो है जो व्यू पॉइंट को समझा जाए कि हम चाहते क्या हैं, जो आप गवर्नमेंट अगर सारे उनसे लोन लें तो वो प्राइवेट सेक्टर पर बिल्कुल ठीक है ताकि वो नई इंडस्ट्री लगाएं और जॉब क्रिएशन करें, और ये क्रेडिट सारा मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इफ्तिखार वोरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वैसे हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार वोरा साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट नुकता है मौजूदा हालात में कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 10 से 12 करोड़ अफराद 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी ये 2018 तक लोड शेडिंग ख़त्म होगी नहीं होगी ऐसा लग नहीं रहा, कैपेसिटी हमने जनरेट नहीं की, $4.5 अरब हमने ऑयल इंपोर्ट में बचत भी कर ली लेकिन कैपेसिटी जनरेट नहीं की, रिजर्व्स में बड़ा कंपोनेंट डेट का है, $200 अरब से ज़्यादा हमारा डेट है, सूद की अदायगियाँ बढ़ रही हैं, गरीब बंदे पर टैक्सों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे पैराहे में अगर इंडेक्स 40,000 पर जा रहा है तो सवाल पैदा होता है कि ये क्यों जा रहा है, तो इस हवाले से जो अभी हमारी डिबेट हो रही थी वो यही है कि इसमें ब्लैक इकॉनमी का ज़्यादा हिस्सा है लेकिन इसमें ईमानदार बिजनेसमैन का भी हिस्सा शामिल है, सो इस हवाले से जो बैलेंस क्रिएट करना है वो हुकूमत ने ही क्रिएट करना है कि सबके मफादात को प्रोटेक्ट भी करें लेकिन कानून को नाफिज भी करें, सो व्यूअर्स ये इंपॉर्टेंट नुकता है, इस पर हमारी बहस जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद, कीप वॉचिंग लबाजात। आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 40,000 के लेवल पर मूव कर रहा है और जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल है, तारीख में आज तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इतने हाईएस्ट लेवल पर नहीं गया, तो बुनियादी नुकता जो हमने आज के इस प्रोग्राम में उठाया कि क्या ये स्टॉक एक्सचेंज का तारीख के हाईएस्ट लेवल पर जाना क्या ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बेसिस पर है, क्या ये मौजूदा दौर हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसीज की वजह से है या इसमें स्पेकुलेशन है, तो पता हमें ये चला कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो लार्जली अनडॉक नहीं हो सकता, बहरहाल कंपनीज ने परफॉर्म किया है, ब्लू चिप कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बैनुल अकौमी मंडी में तेल की कीमतें 70% गिरती हैं और पाकिस्तान के अंदर
सीमेंट की कीमतें कम नहीं होती, दवाइयों की कीमतें कम नहीं होती और वो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और वो ज़्यादा मुनाफा बनाती हैं और उनके मुनाफे की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट मूव होती है, तो ये दुरुस्त इंडिकेटर किस तरह हो सकता है। और फिर एक और अहम नुक्ता ये कि जब मौजूदा दौर हुकूमत में हमने देखा कि माशी पॉलिसीज़ के हवाले से बात की गई और रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई, चाहे वो टैक्स सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, ज़रात का शोबा हो, तो हमें वो बुनियादी रिफॉर्म्स ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आई हैं, चाहे वफाक की आप बात कर लें, चाहे आप सूबों की बात कर लें। और फिर अहम नुक्ता ये भी कि सी पैक के हवाले से $46 बिलियन की सरमायाकारी के हवाले से जो बात की गई वो डेफिनेटली दुरुस्त है, लेकिन वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुई। तो स्टॉक मार्केट्स एंटीसिपेशन पर चलती है कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, जो बेहतर तौर पर सरमायाकारों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, तो यहाँ पर बेहतर जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होगा और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेहतर होगी, तो उस बेसिस पर स्टॉक मार्केट मूव करती है। तो इकोनॉमिक रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, स्टॉक मार्केट 40,000 का लेवल दिखा रहा है जो कि दो अलग फेजेस हैं। हमारी तरफ से यही कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।